ट्रैवल विद सुधा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, 30 जून से श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो रही है। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके यात्रा के दौरान आपके सिम कार्ड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे, जैसे कि यात्रा के दौरान आपको किस तरीके का सिम कार्ड यूज़ करना चाहिए, ये सिम कार्ड आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये सिम कार्ड के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, इसके अलावा ये सिम कार्ड आप कैसे घर से बना के चल सकते हैं, ये बातें भी वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। तो आइए सबसे पहले ये बातें क्लियर कर लेते हैं कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आप किस तरीके का सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा जम्मू कश्मीर स्टेट में होते हैं और जम्मू कश्मीर स्टेट में आप दूसरे स्टेट की जो प्रीपेड सिम कार्ड है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट में आप सिर्फ पोस्टपेड सिम कार्ड ही यूज़ कर सकते हैं। दूसरे स्टेट से लाए जाने वाले प्रीपेड सिम कार्ड जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर करने के बाद उस सिम की नेटवर्क चली जाती है। तो जाहिर सी बात है कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए भी आप दूसरे स्टेट से लाए जाने वाले प्रीपेड सिम कार्ड से को यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको यात्रा के लिए इसी वजह से प्रीलोडेड सिम कार्ड यूज़ करना होता है या फिर आप पोस्टपेड सिम कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रीलोडेड सिम कार्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस साल 3 कंपनी का प्रीलोडेड सिम कार्ड आपको अवेलेबल होंगे। ये 3 कंपनी है, जियो, BSNL और एयरटेल। ये 3 ही कंपनी का नेटवर्क आपको श्री अमरनाथ जी की गुफा तक मिलेंगे। आइए जान लेते हैं कि ये प्रीलोडेड सिम कार्ड आपको कहाँ से मिलते हैं। आपको इस तरीके का प्रीलोडेड सिम कार्ड CSC सेंटर और बेस कैंपों के एरिया में मिल जाएंगे। ऐसे कुछ बेस कैंप और CSC सेंटर का एड्रेस हम दे रहे हैं जहां से आपको ये प्रीलोडेड सिम मिल सकते हैं। नंबर 1 लखनपुर बॉर्डर बेस कैंप, नंबर 2 भगवती नगर बेस कैंप नियर जम्मू, काची चवन्नी CSC सेंटर और त्रिकुटा नगर CSC सेंटर, नंबर 3 श्रीनगर टूरिस्ट सेंटर नियर नोएगांव रेलवे स्टेशन, नंबर 4 बालटाल बेस कैंप, नंबर 5 पहलगांव बेस कैंप। ये सभी जगह में आपको BSNL के प्रीलोडेड सिम मिल जाएंगे और दूसरे जियो या फिर एयरटेल के भी प्रीलोडेड सिम कार्ड आपको मिल जाएंगे। इस तरीके का सिम कार्ड लेने के लिए आपको सेंटर में 3 तरीके के डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। पहला, आपको आपकी ID प्रूफ दिखाना पड़ता है। दूसरा, आपको एड्रेस प्रूफ और इसके अलावा आपको फोटोग्राफ भी देना पड़ता है। ID प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखा सकते हैं। BSNL के जो प्रीलोडेड सिम कार्ड है इसकी कीमत है ₹230। इसकी वैलिडिटी है 10 दिन की। एयरटेल और जियो की जो सिम कार्ड है प्रीलोडेड उसकी कीमत है ₹250 और इसकी वैलिडिटी है 28 डे की। ये तीनों सिम कार्ड ही आपको अमरनाथ जी की गुफा तक नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराती है। आइए अभी दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं जो कि है पोस्टपेड कनेक्शन। अमरनाथ की यात्रा के टाइम में हमें बेस कैंप या CSC सेंटर में नया सिम कार्ड लेना पड़ता है जिसकी वजह से हमारे नंबर बदल जाते हैं और पुराने नंबर में आने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स और मैसेजेस छूट जाते हैं। लेकिन अगर आप घर से ही आपके कनेक्शन को पोस्टपेड में ट्रांसफ़र करा के आते हैं तो आपको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस साल जियो, BSNL और एयरटेल तीनों कंपनी का नेटवर्क अमरनाथ के गुफा तक अवेलेबल है। इसी वजह से इस साल अगर आप जियो या फिर एयरटेल या फिर BSNL में अपना कनेक्शन को पोस्टपेड में डाल के घर से अपना नंबर पोस्टपेड में करा के आएंगे तो आपको अमरनाथ यात्रा में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपके ही नंबर से अमरनाथ की यात्रा कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ ये BSNL या फिर एयरटेल या फिर जियो कंपनी के होल्डरों के लिए ही हो सकता है। अगर आपका वोडाफोन या आइडिया का नंबर है तो आपको सबसे पहले पोर्ट कराना होगा जियो में या फिर एयरटेल में या फिर BSNL में आपके नंबर को, और उसके बाद आपको पोस्टपेड में करना पड़ेगा जो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। प्रीपेड से पोस्टपेड में
सिम को ट्रांसफ़र कराने के लिए 1 से 2 दिन का टाइम लगता है और आपको सिर्फ आपकी नियरेस्ट प्ले स्टोर में विजिट करना होता है। बहुत ही शॉर्ट प्रोसीड्योर होते हैं, आप चाहे तो ये कर सकते हैं। हेल्प के लिए आप कस्टमर केयर को भी कॉल कर सकते हैं, आपको गाइड कर देंगे। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।